हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस टेक GNT। और यार, आप में से काफ़ी सारे लोग टेलीग्राम पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे थे कि यार हमें 12.0.8.0 का अपडेट 1.9 GB का मिला है, जबकि हम अभी 12.0.7.0 पे है। तो यार, कोई आप में से शेयर कर रहा था कि हमें 680 MB का मिला है, और यार किसी ने शेयर किया कि हमें 366 MB का मिला है। तो गाइस, ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप 12.0.7.0 पे हो तो यार काफ़ी लोगों को ये 366 MB का मिला है और काफ़ी लोगों को 1.9 GB का मिला है। तो यार, कौन सा आपको अपडेट करना चाहिए, उसका क्या सोल्यूशन है, आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता लगेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, सबको अलग अलग साइज़ की अपडेट्स क्यों मिल रही है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पर नए हो, रेडमी नोट 9 के यूज़र हो, तो आपको हमारे चैनल पर सबसे ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखना। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार 680 MB का अपडेट किन किन यूज़र्स को देखने को मिला है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, 680 MB वाला जो अपडेट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है व्हाट्स न्यू में, जैसे कि यार ओवरऑल रिस्पांस स्पीड, और इसमें कुछ जो न्यू फीचर्स है वो भी मिसिंग है। तो गाइस, जो भी यूज़र 12.0.6.0 पे थे, उनको यार ये अपडेट जो है 680 MB का मिला है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिक्योरिटी पैच इनका फरवरी भी एक साथ अपडेट किया गया है, उसके बाद मई का भी सिक्योरिटी पैच साथ में ही अपडेट कर दिया गया है। जो भी यार 12.0.6.0 पे होंगे, उनको ये अपडेट 680 MB का मिला होगा, क्योंकि यार उन्होंने इससे पहले 12.0.7.0 भी अपडेट नहीं किया है, इसलिए उनको दोनों अपडेट एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो उनका यार कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये सेम टू सेम वही अपडेट है, पर दोनों अपडेट को मिला के है। अब बात कर लेते कि यार 366 MB का अपडेट किसको मिला है। तो गाइस, जो भी यूज़र 12.0.7.0 पे है, उनको यार 366 MB का अपडेट मिला है, और उनमें ये सारे फीचर्स मेंशन है। और यार जो 1.9 GB वाला अपडेट है, उसमें भी गाइस यही वाला सेम फीचर्स मेंशन है, और गाइस ये भी अपडेट उन्हीं को मिला है जो 12.0.7.0 पे है। तो यार ऐसा क्यों हो रहा है? तो किसी को ये 366 MB का मिल रहा है और किसी को 1.9 GB का मिल रहा है। तो गाइस, ऐसा Xiaomi की तरफ से किया गया है, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, पर आप अभी अगर 12.0.7.0 पे हो और यार आपके पास अगर डेटा कम है, तो यार आप इस वाले अपडेट से अपडेट मत करो 1.9 GB से। इससे अपडेट करने से आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। गाइस, ये अपडेट बिल्कुल ही सेम है इस वाले अपडेट की तरह, जैसे 366 MB का जो अपडेट है वो सेम टू सेम 1.9 GB का है। क्योंकि अगर आप 12.0.7.0 पे हो तो आपको सिर्फ 366 MB वाली फाइल चाहिए, आपको इतना डेटा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके पास वाईफाई है तो आप आराम से इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर ऐसा हो, आपके पास डेटा नहीं हो, तो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इस अपडेट का, तो आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इस अपडेट का लिंक है 12.0.8.0 का, तो आपको ये वाली फाइल सिंपली डाउनलोड कर लेनी है। देख सकते हो ये वाली फाइल सिर्फ 366 MB करीब की है। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लोगे, देख सकते हो ये 366 MB की फाइल है। तो जैसे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाना है। अगर आप 12.0.7.0 पे हो, अगर आपके पास 1.9 GB वाला अपडेट आया है, तो चूज अपडेट पैकेज में यहाँ पे क्लिक करके, और आपका जहाँ पे डाउनलोड्स हो रखा होगा वो वाला, जो कि मैंने अभी आपको फाइल बताई है, मेरी अभी तक वो डाउनलोड नहीं हुई है। जैसे ही आपकी वो डाउनलोड हो जाएगी, आपको उस वाली फाइल पर ऐसे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उसे ओके पे क्लिक कर दोगे, तो यार आपका अपडेट हो जाएगा। मैंने अभी वो वाला अपडेट डाउनलोड नहीं किया, उसलिए अपडेट कांट वेरीफाई बोल रहा है, पर आपको अपडेट आ जाएगा, यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप आसानी से उसे अपडेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको 1.9 GB का डेटा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और गाइस, अगर आप लिंक से अपडेट करते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि यार ये Xiaomi ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करवाती है, ऐसी कोई फेक लिंक नहीं होती, Xiaomi खुद से ही प्रोवाइड कराते हैं। जिनको भी अपडेट नहीं मिलता, वो लिंक के थ्रू अपडेट कर लेते हैं, ऑफिशियल मेथड है, कोई डेटा इससे रेज नहीं होता। तो यार आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा कि यार सबको अलग अलग अपडेट्स क्यों मिल रही है। तो यार वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।